श्रावण मास में बादल झूम कर बरसते हैं, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं हो रहा है। श्रावण मास में भी बारिश ना होने की वजह से कांवड़ियों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी में जब शिवभक्त कांवड़िए चलते हैं तो आप देखिए किस तरीके से पसीना पसीना हो जाते हैं। और ये भीषण गर्मी और बारिश ना होने की वजह से शिवभक्त कांवड़ियों के पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। वो बात अलग है कि भोले के नाम की माला जपते हुए, शिव नाम की माला जपते हुए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकान के ये शिवभक्त कांवड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आसमान से आंख बरस रही है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, लेकिन चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। किस तरीके से इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप भोले के भक्त कहाँ तक जाएंगे, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हरिदास से आ रहे हैं, पटिया वाले पे जा रहे हैं। ग्वालियर? हाँ ग्वालियर। कब तक पहुँचेंगे वहाँ? 27 तारीख तक पहुँचाएंगे। अच्छा 27 तारीख तक। अच्छा भोले, गर्मी पड़ रही है, दिक्कत तो हो रही होगी गर्मी? हाँ दिक्कत, पैरों में छाले पड़ रहे हैं। अच्छा अलग रख गए जी। अच्छा छाले पड़ गए? हाँ जी, जे रहे ना। अच्छा अच्छा, तो पहले तो जैसे कहते हैं सावन में तो बादल झूम के बरसते हैं, इस बार तो कुछ ऐसा नहीं, पसीना पसीना दिक्कत नहीं बसता? अच्छा भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं? हाँ। अच्छा भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं, और भी उनसे बात। भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं? भोले बाबा। अच्छा हाँ हाँ जी, क्या कर सकते, बारिश नहीं हो रही सर। सर ऐसे देखो ना, पूरे धूप ही धूप हो रही है यहाँ तो। अच्छा, पूरी गर्मी गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। और भी शिव भक्त उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बात है भोले, पसीना पसीना हो, मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हो, कोई दिक्कत थकान परेशानी? बहुत परेशानी है। अच्छा, परेशानी बहुत है, गर्मी की तरफ से परेशानी बहुत है, छाले भी पड़ गए हैं, उसको पसीना पसीना हो रहा है। वो हमारे संग वैसे है कि जो लोग उनको बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, परेशानी? हाँ, लेकिन बाबा के नाम की माला जपते हैं? बाबा की नाम से जपते हो चाहे मर जाए, पर हटेंगे नहीं पीछे। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, देखिए ये खड़ी कांवड़ ला रहे हैं, और खड़ी कांवड़ के लिए मैं बता देता हूँ, अगर रात के वक्त ये शिवभक्त कांवड़ ये विश्राम करेंगे तो इस कांवड़ को किसी दूसरे कांधे पर रखना पड़ेगा। यानी इन्हीं में से जो ये खड़ी कांवड़ लेकर आ रहे हैं, अगर ये विश्राम करेंगे तो दूसरे जो शिव भक्ति टोली इनके साथ चल रही है वो अपने कांधे पर कांवड़ रखेगी, और जब ये विश्राम करेंगे तो फिर दूसरे किसी शिव भक्त कांवड़िया के जो कांधे पर है वो कांवड़ आ जाएगी। खड़ी कांवड़ है, हरिद्वार से लेकर सीधे ये MP ग्वालियर तक जा रहे हैं, इसी तरीके से जाएंगे। कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी, कितनी गर्मी हो रही है? गर्मी सर बहुत है, वो दिक्कत भी बता रही है, तो फिर भी हम रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। अच्छा भोले बाबा क्या आशीर्वाद? हाँ भोले बाबा के आशीर्वाद से। अच्छा हाँ, क्योंकि बरसात हो या ना हो हमें तो जाना ही जाना है, धूप पड़े या वो बरसात हो फिर भी जाना है हमें तो। तूफान भी या कुछ भी है तो भी चलना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आई तो दिक्कत आने तो क्या है, वो भोले बाबा देखेंगे दिक्कत को, पूरी करेंगे। हाँ आप बता दीजिए, पसीना पसीना है बिल्कुल? हाँ आ रहा है, बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, जाना चाले चाले नहीं है। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, देखिए गर्मी क्या दिक्कत करती है। देखिए इन शिवभक्त कांवड़ियों के जो पैर हैं, इन पैर में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो बारिश होने के बाद यहाँ पर ठंडक पड़ जाती, और ठंडक की वजह से इन शिवभक्त कांवड़ियों को मुश्किलें नहीं आती, और इनके पैर में जो छाले हैं वो नहीं पड़ते। आप देखिए, ये देखिए शिवभक्त कांवड़ियों के पैर में इस भीषण गर्मी कितना जो परेशान है वो जरूर कर रही है, लेकिन शिवभक्त कांवड़ियों के हौसले को देखिए, कह रहे हैं आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, उन्हें मंजिल तक पहुंचना है, भोले बाबा का जो जलाभिषेक है वो करना है। परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है, इस बात का पूरा विश्वास है कि भोले बाबा उनके साथ हैं, भोले बाबा के नाम की भक्ति करते हुए वो मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार जयकारा लगा दीजिए। देखिए तो आपने देखा, हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। गर्मी ज़रूर परेशान कर रही है, भोले बाबा ज़रूर इन शिव भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हर परीक्षा का सामना करने के लिए ये शिव भक्त कांवड़िए मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बारिश कितनी हो जाए, गर्मी कितनी हो जाए, तूफान क्यों ना आ जाए, इसी तरीके से मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, इस बार जो सावन सूखा सूखा नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं इन शिव भक्त कांवड़ियों की राह में थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन ये शिव भक्त कांवड़िए फिर भी शिवालयों की तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भोले भंडारी उनके साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।